बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू यादव के कार्यालय में पुलिस ने छापेमारी की और बड़ी संख्या में पुलिस बल लेकर एसडीपीओ पहुंचे थे। घटना की जानकारी जब पप्पू यादव को मिली तो तुरंत वो चुनाव कार्यालय पहुंचे। इस दौरान उनकी पुलिस अधिकारी के साथ बहस भी हुई। उन्होंने पुलिस की इस कार्रवाई को साजिश बताया और साथ ही उन्हें परेशान करने का आरोप भी लगाया। वहीं पुलिस ने अपनी कार्रवाई के दौरान पप्पू यादव की प्रचार गाड़ी जब्त कर ली। पुलिस का दावा है कि बिना परमिशन के गाड़ी प्रचार में लगाई गई थी और इस दौरान पप्पू यादव के समर्थकों ने जमकर नारेबाजी भी की। आरजेडी ने जैसे ही संतरा खाने का वीडियो शेयर किया और भगवा रंग के मुद्दे पर बीजेपी को घेरा, बीजेपी ने भी पलटवार कर दिया। ये तो इस देश की जनता का दबाव है जो तेजस्वी और उनका पूरा परिवार हरे से केसरिया की तरफ शिफ्ट होते दिख रहे हैं। इससे पहले तेजस्वी के मछली वाले वीडियो पर भी बीजेपी ने सवाल उठाए थे, क्योंकि वो वीडियो नवरात्र के दौरान आया था और इसके अगले ही दिन तेजस्वी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए एक और वीडियो शेयर किया और भगवा रंग पर बिहार का सियासी पारा चढ़ गया। इस बीच पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में उस वक्त दहशत फैल गई जब चुनाव प्रचार के दौरान टीएमसी के ही दो गुट आपस में भिड़ गए। मामला तब और भड़क गया जब उन दोनों गुटों ने एक दूसरे पर बम फेंकने शुरू कर दिए और उसके बाद तो वो पूरा इलाका धमाकों की आवाज से गूंज उठा। तस्वीरों में टीएमसी के दोनों गुट आमने सामने नजर आए। टीएमसी के एक गुट ने सड़क के दूसरी तरफ से बमों की बारिश कर दी। इसके बाद जब उस तरफ से भी बम फेंके गए तो वो लोग वहां से भागते दिखाई दिए। एक के बाद एक हुए कई धमाकों से चारों तरफ धुआं धुआं हो गया। काफी देर तक हुई बमबारी से पूरे इलाके में चीख पुकार मच गई। लोग इधर उधर भागते दिखाई दिए। बताया गया कि इस हमले में एक बच्चे और महिला समेत 5 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए और ये सारा विवाद उस वक्त शुरू हुआ जब लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान टीएमसी के दो उम्मीदवारों के समर्थक उस इलाके में पहुंच गए। इसके बाद टीएमसी के एक गुट ने दीवार पर अपने उम्मीदवार का नाम लिख दिया, जिसकी वजह से टीएमसी का ही दूसरा गुट भड़क गया और उन्होंने मारपीट शुरू कर दी। लेकिन थोड़ी देर में मामला इतना बढ़ गया कि दोनों तरफ से बमबारी शुरू हो गई। इधर उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार भीम निषाद का नोटों की गड्डियों के साथ एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। उस वीडियो में वो अपनी ही पार्टी के एक विधायक को नोटों की गड्डी थमाने की कोशिश करते दिखाई दिए, लेकिन उस विधायक ने कैमरे के सामने नोटों की गड्डियां लेने से मना कर दिया। ये वीडियो सुल्तानपुर में समाजवादी पार्टी के ऑफिस के उद्घाटन के दौरान का बताया गया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में सुल्तानपुर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार भीम निषाद अपने समर्थकों से घिरे दिखाई दिए। इस दौरान वहां मौजूद पार्टी के कार्यकर्ता लगातार उनके समर्थन में नारे लगाते रहे। उनके साथ इसौली विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक मोहम्मद ताहिर खान भी नजर आए। तभी एक आदमी ने भीम निषाद के हाथों में 500-500 रुपए के नोटों के बंडल थमा दिए। जैसे ही उनके हाथों में पैसों की गड्डियां आईं, उन्होंने वो पैसे ताहिर खान की तरफ बढ़ा दिए, लेकिन ताहिर खान ने नोटों के बंडल लेने से इनकार कर दिया। हालांकि बाद में समाजवादी पार्टी ने लोगों के बीच पैसे बांटने की बातों से साफ मना कर दिया। पार्टी के विधायक ताहिर खान ने दावा किया कि ये पैसा चंदे के तहत जमा किया गया था और वही पैसा भीम निषाद उन्हें रखने के लिए दे रहे थे। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव पर विजिलेंस विभाग ने एक्शन ले लिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार को विजिलेंस विभाग ने उनके पद से हटा दिया। विभाग के मुताबिक विभव कुमार की नियुक्ति अवैध और अमान्य थी। हाल ही में ईडी ने शराब घोटाला मामले में उनसे पूछताछ भी की थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दे दी और साथ ही ये पेशकश भी कर दी कि अगर पाकिस्तान इसे नहीं रोक सकता तो भारत इस काम में उसकी मदद के लिए तैयार है। यदि पाकिस्तान को लगता है कि वह आतंकवाद पर काबू पाने में असमर्थ है तो भारत का सहयोग प्राप्त करें। काशी विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह में तैनात रहने वाले पुलिस कर्मियों की ड्रेस में बदलाव कर दिया गया। यहाँ श्रद्धालुओं के बीच खड़े पुलिस वाले अब पुजारियों की वेशभूषा में नजर आएंगे। इन पुलिस कर्मियों के गले में रुद्राक्ष, माथे पर त्रिपुंड और गेरुआ कपड़े होंगे। सिक्किम में भारतीय सेना ने युद्धाभ्यास किया। चीन की सीमा के पास किए गए इस युद्धाभ्यास से चीन को कड़ा संदेश देने की कोशिश की गई। सिक्किम के सुपर हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में जवानों ने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों के साथ युद्धाभ्यास किया। सेना के त्रिशक्ति कोर ने 17,000 फीट की ऊंचाई वॉर प्रैक्टिस की है, जिसमें ईस्टर्न कमांड के मैकेनाइज्ड और इन्फेंट्री यूनिट ने हिस्सा भी लिया।
टाटा टी प्रीमियम देश की चाय लेकर आया है एक बड़ी मुहिम। देश के साथ कोई समझौता नहीं, इस चुनाव में वोट जरूर करें। जश्न में शामिल हुई बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दंगे की आशंका जता दी और लोगों से शांत रहने की अपील की। ईद के मौके पर कोलकाता में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया और इस कार्यक्रम में ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी भी शामिल हुए। मंच पर मौजूद ममता कुछ देर तक एक छोटे बच्चे को गोद में लेकर भी खड़ी रहीं। इससे पहले उन्होंने लोगों को संबोधित किया और दंगे की आशंका जताते हुए लोगों से शांत रहने की अपील कर डाली। कोई दंगा करने अगर आते हैं आप चुपचाप रहो, माथा ठंडा रहो। मौका ईद का था लेकिन ममता बनर्जी ने दंगे का जिक्र किया। यही नहीं, उन्होंने वहां मौजूद लोगों को सावधान करते हुए NIA पर भी निशाना साधा। एक चॉकलेट बम भी बॉम्ब फटते हैं, NIA को भेज देता है, सबको अरेस्ट कर दो, सबको अरेस्ट करते करते तुम्हारा देश ही सुनना हो जाएगा। लोकसभा चुनाव से पहले दंगे से जुड़ा ममता का ये कोई पहला बयान नहीं है, क्योंकि इससे पहले उन्होंने एक चुनावी रैली में रामनवमी पर दंगे की आशंका जताई थी। उनकी ये रैली बंगाल के अलीपुरद्वार में हुई थी। 17 अप्रैल को रामनवमी है, उसके दो दिन बाद यानी 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होगा और ममता ने आशंका जताई थी कि पहले चरण के मतदान से दो दिन पहले यानी रामनवमी के दिन दंगा हो सकता है। 17 तारीख के दंगा करवे, तुम्हारे तो राम काने काने बोल दी जाएगी, तुम ही दंगा करो, किंतु रे दंगा करवे। ममता का ये बयान आए ज्यादा वक्त नहीं बीता था कि उनका दंगों से जुड़ा एक और बयान आ गया। बीजेपी ने ममता के इस तरह के बयानों को चुनाव में हार का डर माना और दावा किया कि इस बार बंगाल के नतीजे हैरान कर देंगे। मैं ईद के दिन कोई राजनीतिक बात नहीं करूंगा, लेकिन बंगाल के नतीजे चौंकाने वाले होंगे। पिछले साल बंगाल के कुछ इलाकों में रामनवमी पर दंगे हो गए थे, बंगाल सुलग उठा था। रामनवमी से पहले ममता बार बार उसी ओर इशारा कर रही है और दंगों की आशंका जता रही है। इधर यूपी के कानपुर में समाजवादी पार्टी के विधायक अमित वाजपेयी की वहां के पुलिस वालों से तीखी बहस हो गई। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस वालों ने ईद के मौके पर नमाज पढ़ रहे लोगों के साथ बदतमीजी की और जब इसका विरोध किया गया तो समाजवादी पार्टी के नेता सम्राट विकास यादव को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और इसी के बाद वहां ऐसा बवाल हुआ कि बात बुरी तरह बिगड़ गई। अपने कुछ समर्थकों के साथ विधायक अमित वाजपेयी थाने पहुंचे और पुलिस वालों पर हल्ला बोल दिया।